नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत जबरदस्त प्रश्न आया हमारे एक व्यूअर का, एक सब्सक्राइबर का, जिसने ये पूछा, बोला सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कहीं मैं छोटा स्मॉल बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो मैं स्मॉल बिजनेस, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप कोई फूड बिजनेस करते हो या कोई और बिजनेस करते हो, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ेंगे, इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। अगर आप प्रोपराइटर हो तो फिर क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अलग से कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये कि प्रोपराइटर को स्पेशली कोई अलग से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, रहेगा नहीं, इसलिए प्रोपराइटर से मांगेंगे नहीं। अगर पार्टनरशिप है तो फिर पार्टनरशिप का डीड मांगेंगे, राइट, और पार्टनरशिप का पैन कार्ड अलग से बनता है, वो मांगा जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, उसके साथ पैन और टैन नॉर्मली आजकल ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, इसीलिए उसका पैन भी रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, तो कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, टैन का खाली नंबर से हो जाता है। पैन और टैन का नंबर कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, और साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत रहती है, क्योंकि मेमोरेंडम में मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा रहना चाहिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्टरशिप का लिखा रहना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर का लिखा रहना चाहिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हो या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, ये सारी चीज जो भी आप करते हो वहां पर लिखे रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप करिए, लेकिन वो मेन ऑब्जेक्ट में कंपनी के लिखे रहना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट, ये होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड होगा, उसका पैन कार्ड अलग से होगा। अगर आपका कोई सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग से होगा और बायलॉज और मेमोरेंडम अलग से होगा। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आप कौन से कैटेगरी में आते हो आप चेक कर लेना। सर मेरा सेक्शन 8 कंपनी का भी मेमोरेंडम आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा और सेक्शन 8 का लाइसेंस आ जाएगा, प्लस MCA का सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। ये कौन सा हो गया? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो गया। अब ओनरशिप का डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ओनरशिप का डॉक्यूमेंट मतलब ओनरशिप की KYC। अब इसमें क्या आएगा? पैन आएगा और आधार कार्ड आएगा। किसका? इंडिविजुअल के केस में खाली उसी का पैन और आधार आएगा। अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में जो मेन मैनेजिंग पार्टनर्स रहेंगे या फिर सारे पार्टनर्स का पैन और आधार आपके पास में होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। ये सारे चीजों के फोटोकॉपी और उस पर सिग्नेचर अगर सेल्फ अटेस्टेड है तो रखे रहना चाहिए, दो दो चार चार कॉपी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने पास में एक रखे रहिए, राइट। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स के पैन आधार होंगे, और अगर किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO अलग से भी बना रखे हो तो उसके भी पैन आधार हम लोग को लेने पड़ेंगे, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो उसका पैन आधार होगा। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी का पैन आधार होना चाहिए, अगर वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी है या ओनर है उसके पैन आधार होना चाहिए, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी के पैन आधार होने चाहिए। तो ये हो गया आपका KYC डॉक्यूमेंट। पहला क्या था? रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या है? KYC डॉक्यूमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप किस जगह पर बिजनेस करते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ में क्या आएगा? आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है उस जगह का, जहां का रेंट एग्रीमेंट है वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने चले जाओ, तो ये चीज आपके पास में होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने लीज पे लिया होगा तो लीज डीड आपके पास में होगा। अगर बोलोगे नहीं सर ये मेरे पापा का है, तो पापा ने अगर आपको दिया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, तो फिर आप अपने पापा से भी रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर दूसरे से आपने जगह लिया तो रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर मान लीजिए आपका खुद का और आपने कंपनी को दिया होगा तो फिर एक एक्सेप्टेंस लेटर या फिर एक लेटर बनाकर देना पड़ेगा कि सर मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं अपनी कंपनी को दे रहा हूं। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं ऐसा मत करना, आप रेंट एग्रीमेंट बना ही डालना। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि प्रोपराइटर मतलब मालिक आप हो और प्रॉपर्टी भी आप ही की है तो अलग से कोई कुछ मांगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आपका ही नाम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर प्रॉपर्टी की रसीद लेटेस्ट वाला मांग सकते हैं, मांग क्या सकते हैं, वो रखना चाहिए, चाहे आप किराए पर हो चाहे वो आपका खुद का हो। इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप लेटेस्ट रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, कहीं पर कुछ भी करने जाओ ये लगेगा, राइट। अब इसके बाद में शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको बोलते हैं शॉप लाइसेंस, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये गोदाम होगा तो गोदाम होने से भी शॉप लाइसेंस ही होगा। आपका नगर पालिका निगम हो या फिर ग्राम क्षेत्र हो, वहां के हिसाब से आपको एक शॉप का लाइसेंस या एप्लीकेशन देकर एक सर्टिफिकेशन वहां से लेना चाहिए। उसकी वैलिडिटी 1 साल 2 साल 5 साल जितनी भी होगी, वैलिडिटी खत्म ना हो जाए ध्यान रखना अपने को। डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट और फ्रेश रहना चाहिए, इसका मतलब वो यूजफुल होना चाहिए। तो आपका सिचुएशन मतलब जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो उसका प्रूफ आ गया, यस और नो, ठीक है। अब इसके साथ में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो फिर उस
बैंक अकाउंट का, और नॉर्मली ये करंट अकाउंट होगा, राइट, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। प्रोपराइटर है तो बोलते सर मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरे नाम से सेविंग अकाउंट चलना चाहिए। नहीं भाई, सेविंग अकाउंट अपने जगह पर है, बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसीलिए तो नोटिस आता है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस है तो करंट अकाउंट है, और उसके अलावा जो भी इनकम आएगी वो सेविंग अकाउंट में आएगा। जो अपने आप किराया आ गया, कहीं से शेयर का पैसा आ गया, कहीं से किसी और ने गिफ्ट दे दिया, वो सारा सेविंग। और धंधा जितना भी करना है करंट अकाउंट, तो इंडिविजुअल है तब भी करंट अकाउंट, कंपनी है तब भी कंपनी का करंट अकाउंट, उसका कोई ना कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट भले एक दिन का, उसकी कॉपी अपने पास में होनी चाहिए। चेकबुक आपके पास होनी चाहिए, चेकबुक का एक कैंसल्ड चेक आप अपने पास में रख लो अपने फाइल में, ताकि आपके पास रहे कि भैया कभी किसी को बैंक अकाउंट का डिटेल देना हो वो भी आप दे सकते हो। स्टेटमेंट निकालना हो, स्टेटमेंट ऑलरेडी आप किसी भी समय निकाल सकते हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग होगी, आखिरी दिन का निकाल के दे देना जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन आपके कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें सारी चीजें अकाउंट नंबर से लेके ओनर का नाम और सारा चीज लिखा हुआ दिखा देगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि भैया बैंक खाता इसी का है। अच्छा, यहां तक हो गया। इसके बाद में आप एमएसएमई या उद्यम आधार का भी रजिस्ट्रेशन अपने को करने में एक ही दिन लगता है, और दिन छोड़ दो एक आध घंटे में काम बन जाता है अगर इतने सारे पेपर होंगे। ये जरूर करा लीजिए एमएसएमई और उद्यम आधार का, राइट। इतना होने के बाद में अगला, आप अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वर्ड है जिस पे आप काम कर रहे हो या फिर कंसेप्ट है, तो आपका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कुछ है तो उसकी कॉपी भी रख लीजिए। अगर आपके पास में एम्प्लॉइज हैं जो कि 10 या 10 से ज्यादा है तो ESIC का रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी ले लीजिए। 20 या 20 से ज्यादा है तो EPF का रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी कॉपी भी रख लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है जैसे फूड बिजनेस है तो FSSAI लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपका ड्रग बिजनेस है तो ड्रग का मतलब वो ड्रग नहीं है जो सुट्टा मारते हैं वैसा नहीं, ड्रग मतलब फार्मास्यूटिकल का, दवाइयों का बिजनेस अगर आपके पास में है तो ड्रग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर आप मान लीजिए किसी एसोसिएशन से कनेक्टेड हो, जैसे आपका अपने स्टेट का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका अगर आपको मेंबरशिप है तो वो मेंबरशिप की कॉपी रख लो। अगर आपके पास ISO आपने लिया है, ISO की कॉपी आप अपने पास रख लो। ये सब जरूरी नहीं है, ISO मेंबरशिप ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन इसको ले तो लो, ट्रेडमार्क ले तो लो, ट्रेडमार्क तो बिजनेस बचाने के लिए। यस और नो, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, छांट नहीं रहा हूं। अच्छा, इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो जरूर GST रजिस्ट्रेशन ले लो। सर एप्लीकेबल है कि नहीं मेरे को कैसे पता चलेगा, इसके लिए अलग से GST एप्लीकेबल है कि नहीं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे चैनल पे जाकर आप देखिए, और ये मेरा नहीं आप ही का चैनल है, मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये GST का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो GST का रजिस्ट्रेशन ले लो। इसके अलावा कोई भी और रजिस्ट्रेशन आपके स्पेसिफिक बिजनेस से कनेक्टेड होने के कारण जरूरी होगा तो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी वहां पर अप्रूवल की जरूरत रहती है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अभी अपने स्टेट गवर्नमेंट में, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अपने स्टेट के मतलब DIC का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास हो सकता है, KVIC का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई और स्कीम कर रहे हो उस स्कीम में अगर कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी वो रजिस्ट्रेशन भी आप अपने पास में रख सकते हो। तो इतने सारे रजिस्ट्रेशन अगर आप अपने पास में रखते हो। अच्छा, इसमें सर कंपलसरी कौन सा है? सारे कंपलसरी है जो आपको एप्लीकेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है वो तो जरूर होना ही चाहिए आपके पास में। तो एक बार फिर से बता दूं कि हर डॉक्यूमेंट कंपलसरी है एक्सेप्ट जो आपने अपने तरफ से वॉलंटरी लिया। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके व्यापार को बचाता है, ISO कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके ब्रांड को और बड़ा बनाता है। तो उसके अलावा मैक्सिमम सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इतने सारे पेपर हैं इसके 8-10 सेट बनाकर रख लीजिए, कभी कोई दिक्कत आने नहीं वाली। जो भी बिजनेस के ओनर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है वो सबके फोटो भी रख लीजिए अपने पास, और इसके 8-10-15 फाइल बनाकर रख लीजिए, चाहे लोन लेना हो, चाहे कहीं टेंडर देना हो, चाहे कहीं पर भी किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट को यूज करना हो, फाइनेंस लेना हो, आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। अगर आपको लगता है कि सर मजा आ गया और बहुत जरूरत की चीज थी, आपने अच्छा बता दिया, तो फिर आप जरूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से मुझे भी फायदा है, मैं ज्यादा लोगों का फायदा कर सकता हूँ और आप इसमें मेरा सहयोग करने वाले हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।